12 अप्रैल 2023 के शिव बाबा के ज्ञान रत्न। मीठे बच्चे, ज्ञान अमृत है और योग अग्नि है। ज्ञान और योग से तुम्हारे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। प्रश्न, कौन सा रस ज्ञान से प्राप्त होता है, भक्ति से नहीं? उत्तर, जीवन मुक्ति का रस। भक्ति से किसी को भी जीवन मुक्ति का रस नहीं मिल सकता। बाप जब आते हैं तो बच्चों को जो डायरेक्शन देते वही ज्ञान है। उसी पर चलने से स्वर्ग की राजाई मिल जाती है। आज का गीत भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। बच्चों का भोला बाबा बच्चों प्रति समझा रहे हैं। इसको कहा जाता है शिव भोला बाबा। हमेशा शिव को बाबा कहा जाता है। कोई चित्र देखे व ना देखे परंतु याद करते हैं शिव भोलानाथ। शंकर व विष्णु व ब्रह्मा को भोलानाथ नहीं कहेंगे। भोला अक्षर कहने से मनुष्यों की बुद्धि में निराकार शिव बाबा का ही चित्र आता है। अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हो। अब भोलानाथ बाबा कहने से भक्ति मार्ग वालों का कोई मुख मीठा नहीं होता है। भल कितनी भी महिमा करते रहें, मुख मीठा नहीं होगा। अभी तुम बच्चे शिव बाबा को याद करते हो, शिव भोलानाथ बाबा कहने से मुख मीठा हो जाता है। शिव बाबा हमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा कहने से बच्चों को प्रॉपर्टी भी जरूर याद पड़ती है। तुम बच्चे जानते हो वही शिव बाबा है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी उनको कहा जाता है। झाड़ का एक ही बीज होता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का भी वह एक बीज है जिससे फिर मनुष्य सृष्टि रची जाती है। क्योंकि बाप हो गया ना, बाकी सब हुए उनके बच्चे। भक्तों का भगवान बाप एक है। भक्त याद करते हैं भगवान को परंतु पूरा जानते नहीं हैं। ये भी ड्रामा में नोंद है। बच्चों को इस ज्ञान और योग बल से सदा सुखी बनाए मैं छिप जाता हूँ। ज्ञान सागर भी एक ही है, जैसे वह पानी का सागर भी एक ही है। उनको बांटा गया है, ये इंडिया का सागर, ये फलाने का सागर। वास्तव में सागर एक ही है। सतयुग में इस सागर को बांट नहीं सकते। एक ही सागर रहता है जिसके तुम मालिक बनने वाले हो। वहां इतने खंड थोड़े ही रहते। एक बाप की एक राजधानी रहती है। इसी भारत पर वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी का एक ही राज्य था। देवी देवताओं के राज्य को भगवान भगवती का राज्य भी कहते हैं। विलायत वाले गॉड गॉडेस कहते हैं। परंतु जानते नहीं हैं कि वह कब राज्य करते थे, कैसे राज्य पाया। ज्ञान सागर एक बाप है, वही ज्ञान से सबकी सदगति करते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, हमारे सामने ज्ञान सागर बैठा है। उनसे ज्ञान गंगाएं निकल सारे विश्व को सदगति देती हैं। इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं। अमृत शब्द से ही फिर पुजारी लोग चरण धोकर वह अमृत बनाए पीते हैं। वास्तव में उसको अमृत नहीं कहा जाता। आजकल दवाइयों का भी नाम अमृत रखा है जिससे सब दुख दूर होते हैं। वह भी बात नहीं है। ये तो बाप बैठ बच्चों को योग सिखाते हैं। योग को अमृत नहीं कहा जाता। योग अग्नि से तुम्हारी सब बीमारियां 21 जन्मों के लिए दूर होंगी। इस जन्म की नहीं, इसमें तो अंत तक भोगते रहेंगे। ये है योग की बात। बाप कहते हैं योग लगाओ तो तुम्हारी सब बीमारियां नष्ट होंगी। फिर कब बीमार होंगे ही नहीं। तुम पुरुषार्थ करते हो बाप से हेल्थ वेल्थ लेने लिए। वहां कोई बीमारी होती ही नहीं। मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो कभी बीमारी होगी ही नहीं। कहते हैं व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, परंतु ये तो सब ड्रामा में नोंद है। नाम पड़ गया है व्यास का। ये है बना बनाया ड्रामा। जो भी तुमने देखा वह सब ड्रामा में नोंद है। अनादि बना बनाया है, ये बदल नहीं सकता।
भक्ति मार्ग द्वापर से प्रारंभ हो जाता है। भल कोई कितनी भी भक्ति करे, शास्त्र पढ़े, परंतु वापस नहीं जा सकता। सतो प्रधान से तमो प्रधान में जरूर आना है। इस कर्म क्षेत्र से बाहर कोई जा नहीं सकता। तुम जानते हो, हम सतो प्रधान थे, अब हम सोतमो प्रधान बने हैं। ड्रामा अनुसार बनना ही है। भक्ति मार्ग में रात शुरू हो, अंधियारा हो जाता है। पहले इतना अंधियारा नहीं होता है जितना अभी है। रात को भी पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो कहा जाता है। धीरे धीरे कला कमती होते होते घोर अंधियारा हो जाता है। अभी सृष्टि पर बेहद का ग्रहण है, एकदम घोर अंधियारा है। इस चंद्रमा की बात नहीं, ये सारे विश्व की बात है। रावण का ग्रहण लगा हुआ है। द्वापर से लेकर सारे विश्व को ग्रहण लगना शुरू होता है। थोड़ा थोड़ा लगता रहता है। 2500 वर्ष लगता है, जबकि अंत में भारत बिल्कुल ही काला हो जाता है। अभी है बिल्कुल घोर अंधियारा। घोर सोचरा अर्थात दिन बनाने वाला है पाप। पतित को पावन बनाने वाला है पाप। माया रावण फिर रात घोर अंधियारा बनाती है। भक्ति करते भगवान को याद करते ही आते हैं। भगवान भगवान को तो याद नहीं करेंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान वालों को समझाना चाहिए। गॉड फादर इज वन, वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। बाकी सब हैं रचना। रचना की ऐसी महिमा कभी हो नहीं सकती। अगर कोई आत्मा सो परमात्मा कहे तो उनकी महिमा गाई नहीं जा सकती। गायन उस एक बाप का ही है। वह पतित पावन मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है। कोई भी मनुष्य की ये महिमा हो नहीं सकती। ज्ञान से जीवन मुक्ति का रस एक सेकंड में आ जाता है। भगवान उवाच, गीता में है ना, यज्ञ तप तीर्थ आदि करना, वेद शास्त्र पढ़ना, ये सब भक्ति मार्ग है। इनसे कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता। पिछाड़ी में सबको पाठ बजाने आना है। गॉड फादर इज वन, वही करण करावन हार है। इसलिए ब्रह्मा से सत्युगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। मनुष्य को करण करावन हार नहीं कहेंगे। गॉड को ही क्रिएटर डायरेक्टर कहा जाता है। बच्चों को डायरेक्शन देते रहते हैं। डायरेक्शन को ज्ञान कहा जाता है। तुम बच्चों को खुद बैठ समझाते हैं। आत्मा इन आंखों से देखती है, त्रिकुटी के बीच में रहती है, मुख से बोलती है। परमपिता परमात्मा भी जब आए तब तो मुख से ज्ञान सुनाए। कहते हैं मैं इस रथ में रथी हो बैठा हूँ, तुमको सहज राजयोग सिखलाता हूँ। तुम राज ऋषि हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कहे कि हे लाडले बच्चे, तुम राज ऋषि हो। सिवाय बाप के कोई की ताकत नहीं बात करने की। बाप ही कहते हैं हे बच्चे, इनकी आत्मा भी सुनती है। इनको भी कहते हैं हे बच्चे, तुम राज ऋषि हो। तुमको राजाई के लिए हमें शिक्षा देनी है। 5000 वर्ष पहले मैंने तुमको शिक्षा दी थी। हर 5000 वर्ष बाद हम शिक्षा देने आते हैं। ऐसे कोई साधु संत आदि कह ना सके। बाप ही समझाते हैं। उनको खिवैया भी कहते हैं। बरोबर तुमको विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाते हैं। तुम बड़े आराम से बैठे रहेंगे। अब तुम जानते हो, बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ। फिर ये ब्रह्मा सरस्वती विष्णु का रूप बनते हैं। तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो ना। ये हैं गुप्त बातें, तुम बच्चे ही जानो और न जाने कोई। पहले पहले जब कोई आते हैं तो उनको समझाना चाहिए। गॉड फादर इज वन, तो जरूर बाकी इतने सब उनके बच्चे ठहरे। परमपिता परमात्मा एक ही है। वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप।
सभी भक्तों का भगवान सबको सुख देते हैं। यहाँ कलयुग में तो बहुत दुखी हैं, मनुष्य त्राही त्राही करते रहते हैं। सतयुग में दुख की बात नहीं, यहाँ तो सारी दुनिया में ढेर भक्त हैं। ये मंदिर मस्जिद आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। सतयुग में ये होते नहीं, वह है भक्ति कल्ट, ये है ज्ञान कल्ट। जब रात शुरू होती है तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं, तो तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो पहले पहले उन्हें समझाओ कि गॉड फादर इज वन, भारत में ही गाते हैं तुम मात पिता, ये है मदर फादर कंट्री, जगत अम्बा जगत पिता दोनों हैं। दिलवाड़ा मंदिर भी एक्यूरेट बना हुआ है, लक्ष्मी नारायण का चित्र मंदिरों में एक्यूरेट बना हुआ है, लेकिन ओरिजिनल चित्र तो निकाल न सके, कोई एक्टर का ही चित्र ले फिर बनाते हैं। उन्होंने तो राज्य किया सतयुग में, मनुष्य कहते भी हैं सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण के बचपन की कोई हिस्ट्री है नहीं, राधे कृष्ण की है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, फिर नारायण अष्टमी कहाँ गई, श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। राधे कृष्ण तो प्रिंस प्रिंसेस हैं, दोनों अपनी अपनी राजधानी में रहते हैं। जरूर स्वयंवर हुआ होगा तब राजगद्दी पर बैठे होंगे। राधे कृष्ण का राज्य तो है नहीं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराना है। चंद्रवंशी में तो सूर्यवंशी श्री कृष्ण आ ना सके, बड़े मूंझ गए हैं। तो पहले पहले ये समझाना है गॉड फादर एक है, वे होते हैं हद के फादर। स्त्री रची फिर स्त्री से बच्चे पैदा किए, स्त्री को एडॉप्ट किया जन्म नहीं दिया, बेहद का बाप भी कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर अडॉप्ट करता हूँ। भगवान ने सृष्टि कैसे रची ये किसको भी पता नहीं है। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती फिर सागर में पत्ते पर आते हैं, अगर ऐसा है तो अकेला श्री कृष्ण कैसे सृष्टि रचेगा। फिर तो दो चाहिए, फीमेल भी चाहिए, परंतु ऐसी कोई बात है नहीं। बाप कहते हैं मैं अडॉप्ट करता हूँ। तुम सब कहते हो बाबा हम आपकी मुख वंशावली हैं, मैं इस मुख का आधार लेता हूँ, कहता हूँ हे बच्चे। तुम भी कहते हो हे शिव बाबा हम आपके बच्चे थे फिर बने हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों के लिए मैंने वैकुंठ की सौगात लाई है, तुम यहाँ बैठे हो स्वर्ग का मालिक बनने लिए। यह राजयोग है, राजाई स्थापन हो रही है। और प्रिसेप्टर ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं क्रिश्चियन राजाई स्थापन करता हूँ वा सिख राजाई स्थापन करता हूँ, नहीं, तुम नई दुनिया में राजाई लेने लिए शिक्षा पा रहे हो। ये वंडर है ना, गॉड फादर है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर उनसे हमको स्वर्ग की राजाई पाने का हक है ना। सतयुग में राजाई थी, मनुष्य सृष्टि कैसे क्रिएट करते हैं अभी तुम जानते हो। भगवान उवाच, ये है हमारे मुख वंशावली। बाकी सभी हैं रावण की कुख वंशावली, वह ब्राह्मण कुख वंशावली, तुम ब्राह्मण मुख वंशावली हो। तुम समझा सकते हो ब्रह्मा की औलाद जरूर ब्राह्मण ठहरे ना, ब्रह्मा है प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनकी संतान भी ब्राह्मण ठहरे। ब्राह्मण के बच्चे ब्राह्मण होते हैं ना, तुम हो ब्रह्मा की सच्ची औलाद ब्राह्मण। ब्राह्मण है सबसे ऊंच, ब्राह्मणों को चोटी में रखा जाता है, जैसे ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा को त्रिमूर्ति से उड़ा दिया है, वैसे ऊंचते ऊंच ब्राह्मणों को भी चोटी से उड़ा दिया है। विराट रूप में ब्राह्मणों को नहीं दिखाते हैं, सिर्फ कहते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, पहले पहले तुम ब्राह्मण हो। तुम कितनी भारी सेवा करते हो, ऊंचते ऊंच भगवान, फिर उनसे पैदा किए हुए तुम बच्चे हो। शिव बाबा तो नई सृष्टि पर आते नहीं, तुम आते हो। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको राज्य देता हूँ, फिर मेरा नाम ही गुम हो जाता है,
मैं छिप जाता हूँ। मैंने क्या किया, कैसे सृष्टि रची, ये कोई नहीं जानते। अब नया कोई आता है तो जास्ती माथा नहीं मारना है, पहले पहले परिचय देना है बाप का। वह स्वर्ग का रचयिता, देवताएं स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब वह शूद्र वर्ण में है, फिर उनको ब्राह्मण बनाते हैं। वर्ण भी है ना, विराट रूप का चित्र भी है। ब्राह्मणों की चोटी के आगे शिव भी जरूर देना है, जैसे त्रिमूर्ति पर शिव दिखाते हैं, ऐसे ब्राह्मणों के ऊपर भी शिव दिखाना है। समझाना है शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं, वे फिर ब्राह्मण सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, शूद्र बनते हैं। पहले पहले तो कोई को भी अल्प ही समझाना है, वह वापिस ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं तो सब भाई बहन हो जाते हैं। शिव की संतान तो सब आत्माएं हैं ही, फिर मनुष्य सृष्टि रची जाती है तो पहले पहले ब्रह्मा, सरस्वती, ब्राह्मण, फिर देवता, क्षत्रिय बनते हैं। ऐसे ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ वृद्धि को पाता है, उसी बाप को सब भूले हुए हैं। देखो बाप दादा कितना क्लियर कर समझाते हैं, बच्चों को भी सीखना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले थे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, हम राज ऋषि हैं। स्वयं भगवान हमें राजयोग सिखाकर राजाई का वर्षा देते हैं, इस नशे में रहना है। दूसरा, योग अग्नि से विकर्मों को दग्ध कर सब बीमारियों से सदा के लिए मुक्त होना है। इस जन्म के कर्म भोग को याद में रह चुप तो करना है। वरदान, पवित्रता की विशेष धारणा द्वारा अतींद्रिय सुख का अनुभव करने वाले ब्रह्माचारी भव। स्पष्टीकरण, ब्राह्मण जीवन की विशेष धारणा पवित्रता है, यही निरंतर अतींद्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्माचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम चलने वाले संकल्प, बोल और कर्म रूपी कदम ब्रह्मा बाप के कदम ऊपर कदम हो। ऐसे जो ब्रह्माचारी हैं, उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अतींद्रिय सुख की अनुभूति कराएगा। स्लोगन, सेवा में त्रिकालदर्शी का सेंस और रूहानियत का एसेंस भरने वाले ही सर्विसेबल हैं। ओम शांति।